दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज 4-1 से अपने नाम करने के बाद अब भारतीय टीम श्रीलंका का दौरा करने वाली है, जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए BCCI ने फाइनल शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। और इस शेड्यूल के फाइनल होते ही टीम इंडिया का हेड कोच बनते ही गौतम गंभीर ने श्रीलंका को उसी के घर में धूल चटाने के लिए भारतीय टीम की खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने इस स्क्वाड से जिम्बाब्वे दौरे पर खराब प्रदर्शन करने वाले 5 खिलाड़ियों को बाहर निकाल फेंका है। तो वहीं सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद सिराज समेत 5 खिलाड़ियों की वापसी से भारतीय टीम की स्क्वाड पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा के T20 से रिटायरमेंट के बाद जिम्बाब्वे दौरे पर जहां सुमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम एक नए कप्तान और एक नई टीम के साथ खेलती हुई दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत कब होगी, इस T20 सीरीज का पहला मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, और इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड क्या होने वाली है, BCCI ने इस स्क्वाड में किन किन नए और युवा खिलाड़ियों को शामिल किया है। इसके अलावा इस सीरीज के सभी मुकाबलों को आप अपने मोबाइल और टेलीविजन पर कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही थी, और इस सीरीज में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम श्रीलंका का दौरा करने वाली है। आपको बता दें कि BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए हार्दिक पांड्या को T20 का नया कप्तान बनाया है, और अब भारतीय टीम श्रीलंका के साथ हार्दिक पांड्या की कप्तानी में 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है। अगर हम भारत और श्रीलंका के बीच इस सीरीज के पूरे शेड्यूल की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला 27 जुलाई को श्रीलंका के होम ग्राउंड पल्लेकेले स्टेडियम पर खेला जाएगा। उसके बाद दूसरा T20 मुकाबला 28 जुलाई को पल्लेकेले स्टेडियम पर ही खेला जाएगा, जबकि तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला 30 जुलाई को पल्लेकेले स्टेडियम पर खेला जाएगा। और ये तीनों T20 मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से शुरू होंगे। उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, और वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 2 अगस्त को श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा। उसके बाद दूसरा वनडे मुकाबला 4 अगस्त को कोलंबो में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला 7 अगस्त को कोलंबो के ही स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये तीनों वनडे मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर में 2:30 बजे से शुरू होंगे। वही दोस्तों, लाइव प्रसारण की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच आप इन मुकाबलों को टेलीविजन पर सोनी नेटवर्क पर देख पाएंगे। इसके अलावा DD स्पोर्ट चैनल पर भी इन मुकाबलों को दिखाया जाएगा। और अगर आपको इन मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल पर देखनी है तो सोनी लीव ऐप पर दिखाई जाएगी, जहां पर आप इन मुकाबलों को एंजॉय कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 29 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 19 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं, तो वहीं श्रीलंका की टीम सिर्फ 9 मुकाबला ही जीत पाई है, जबकि एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। तो दोस्तों, अगर श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड की बात करें तो इस स्क्वाड में पहला नाम आता है सुमन गिल का। दोस्तों बता दें कि सुमन गिल बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हालांकि दोस्तों, पिछले कुछ समय से T20 फॉर्मेट में सुमन गिल उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ 4th T20 मुकाबले में सुमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की थी और 39 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली थी। ऐसे में अब श्रीलंका के खिलाफ भी सुमन गिल कुछ इसी तरह का प्रदर्शन करना चाहेंगे। जबकि दोस्तों, नंबर 2 पर यशस्वी जायसवाल का नाम शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें कि यशस्वी जायसवाल भी बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो कि मैदान पर आते ही पहली गेंद से चौके और छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए तेजी से रन बनाते हैं। जैसा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 4th T20 मुकाबले में आप सभी ने देखा होगा, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 53 गेंदों का सामना करते हुए 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से 93 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हालांकि दोस्तों, यशस्वी जायसवाल अपने शतक से चूक गए थे, लेकिन अब श्रीलंका के खिलाफ यशस्वी जायसवाल और भी तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में नंबर 3 पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें कि अभिषेक शर्मा बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो कि पावर प्ले में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर अभिषेक शर्मा ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, खासकर दूसरे T20 मुकाबले में तो उन्होंने शतक भी जड़ा था। और ऐसे में अब श्रीलंका के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पर T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें कि सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मैदान के हर कोने से रन बना सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में आकर मैच को पूरी तरह से पलटने का दमखम रखते हैं। ऐसे में टीम इंडिया को उम्मीद रहेगी कि सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर में आकर विस्फोटक बल्लेबाजी करें और टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाएं। उसके बाद दोस्तों, मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है।
दोस्तों बता दें कि रिंकू सिंह टीम इंडिया के बहुत ही खतरनाक फिनिशर बल्लेबाज हैं, जो कि मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू सिंह ने भी कमाल की बल्लेबाजी की थी और दूसरे टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह ने 22 गेंदों का सामना करते हुए 48 रनों की नाबाद पारी खेली थी। और ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ भी रिंकू सिंह कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों इस स्क्वाड में नंबर 6 पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग के अलावा मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, जहां पर दूसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने 77 रन बनाए थे तो वहीं तीसरे टी20 मुकाबले में 49 रनों की पारी खेली थी। आपको बता दें कि टी20 में ऋतुराज गायकवाड़ के रिकॉर्ड बहुत शानदार हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही कम मैच खेलते हुए सबसे तेज 500 रन बनाए हैं और ऐसा करने वाले वो भारतीय टीम के तीसरे बल्लेबाज हैं। जबकि दोस्तों नंबर 7 पर टीम इंडिया के कप्तान और टी20 के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि हार्दिक पांड्या बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो कि विस्फोटक बल्लेबाजी के अलावा शानदार गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। और वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन दिखाया था और टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था। और ऐसे में अब श्रीलंका दौरे पर अपनी कप्तानी में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया को जीत दिलाना चाहेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर शिवम दुबे को मौका दिया गया है। दोस्तों बता दें कि शिवम दुबे टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं और अभी शिवम दुबे जबरदस्त फॉर्म में भी हैं। वर्ल्ड कप में शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी की थी। शिवम दुबे निचले क्रम में आकर विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं और मैच को शानदार तरीके से फिनिश करते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 9 पर स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अक्षर पटेल भारतीय टीम के लिए छुपे रुस्तम खिलाड़ी साबित हुए थे। उन्होंने वर्ल्ड कप 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 मुकाबलों में 19.22 के एवरेज और 7.86 के इकोनॉमी रेट से 8 विकेट लिए थे, जबकि बल्लेबाजी करते हुए 92 रन भी बनाए थे। दोस्तों बता दें कि अक्षर पटेल भारतीय टीम के काफी खतरनाक और विस्फोटक ऑलराउंडरों में से एक हैं, जो कि निचले क्रम में आकर काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं। साथ ही अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों इस स्क्वाड में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि संजू सैमसन को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी जगह मिली थी, लेकिन उन्हें वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी की थी और 5वें टी20 मुकाबले में 58 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद दोस्तों नंबर 11 पर एक और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें कि वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया था, जिसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ ऋषभ पंत को आराम दिया गया था, लेकिन अब श्रीलंका के खिलाफ ऋषभ पंत विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों इस स्क्वाड में गेंदबाज के तौर पर नंबर 12 पर युजवेंद्र चहल को शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें कि युजवेंद्र चहल भी अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो कि समय आने पर विकेट चटकाने की काबिलियत रखते हैं और अपनी गेंदबाजी से खतरनाक प्रदर्शन करके दिखाते हैं। जबकि दोस्तों नंबर 12 पर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें कि रवि बिश्नोई बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हैं, जो कि किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप की धज्जियां उड़ाने का दमखम रखते हैं। उन्होंने अब तक मात्र 24 मुकाबला खेलते हुए 36 विकेट अपने नाम किया है। जबकि दोस्तों तेज गेंदबाज के तौर पर नंबर 13 पर भारतीय टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद सिराज के रिकॉर्ड काफी शानदार हैं और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए बहुत बड़े मैच विनर खिलाड़ी साबित होते हैं। उसके बाद दोस्तों इस स्क्वाड में नंबर 14 पर टीम इंडिया के एक और बेहतरीन तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें कि अर्शदीप सिंह भी बहुत ही खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं, जो कि अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को आउट करने की काबिलियत रखते हैं। जबकि दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर आवेश खान को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि आवेश खान भी भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं, जो कि अब तक 20 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड कुछ इस तरह से होने वाली है। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम की स्क्वाड कितनी परफेक्ट है या फिर इस स्क्वाड में और किन खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए? इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए? आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।